भाइयों जो हमारी आज की वीडियो है, आज की वीडियो दोस्तों फिर से जॉन डियर 5463 HP का ट्रैक्टर है दोस्तों। आज ये एक बताऊँ मैं, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। और एक चीज़ जो बतानी है दोस्तों, लैमकिन के 3MB रिवर्सिबल प्लो पे ट्रैक्टर चल रहा है। और दोस्तों अगर मैं इस एम्प्लीमेंट की बात करूँ, वैसे इसे पलटा बोल देते हैं किसानी भाषा में, और ऊपर से लैमकिन का है दोस्तों, बहुत ही ब्रांडेड चीज़ है, एक तरीके से कह दीजिए कि इम्पोर्टेड क्लास का ही इम्प्लीमेंट है, ठीक है। और आपको एक बार दिखाएंगे भी किस तरीके से रिवर्सल होता है। छोटू भाई इसको उठा के ना घुमा के दिखा दो एक बार दोस्तों, मैं दिखाऊंगा घूमता कैसे आई है, ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पे जैक लगा होता है, इसके थ्रू ही ये सारी की सारी गर्दन यहाँ से घूम जाती है, ठीक है जी। और दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक बार मतलब कि बताया था कि अगर हमें लैमकिन का प्लो या कोई भी प्लो चलाना है दोस्तों, तो लिफ्ट सेंसिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। छोटू भाई कौन से गियर में चल रहा है ट्रैक्टर? B2 में। और कितने RPM पे चल रहा है? 1500 पे। भाइयों आज ना बिल्कुल जो जुताई वाला गियर है, जो बिल्कुल आराम से बिल्कुल अच्छे तरीके से जुताई वाला गियर है, उस गियर में ट्रैक्टर चल रहा है। और आपको कोई हवड़ा तपड़ी में नहीं, बहुत एक कंफर्टेबिलिटी वाली वीडियो देंगे। चलो भाई चला के दिखाओ। और दोस्तों इसके आगे भी ट्रैक्टर के वेट लग रहा है, 3 क्विंटल 20 किलो वजन इसके आगे लग रहा। और B2 में चल रहा 3MB रिवर्सेबल प्लो। और लैमकिन का तो दोस्तों नाम ही काफ़ी है। देख लो दोस्तों, मैं इसकी गहराई की बात करूं कि कितना गहरा लग रहा है ये, तो 12 इंच से 14 इंच बड़े आराम से, ठीक है जी। और दोस्तों जो ये मिट्टी है, आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देख भी सकते हो, काली मिट्टी है, बिल्कुल पक्की मिट्टी। पक्की मिट्टी में प्लाव चलाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन वैसे जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी छोटा नहीं है, ट्रैक्टर में भी अपने आप में चीज है जी। ट्रैक्टर भी दोस्तों, ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट दोनों की अगर लंबाई की बात करूं फिलहाल, तो भाई 15 फीट के हो रहे। आराम से होगा भाई 15 फीट दोनों का जो लंबाई है। बाकी जब उधर से आएगा तो आपको दूसरी तरफ से भी दिखाएंगे। अगले टायर भी स्लिप मार रहे, पूरी फुल गहराई है, पूरी फुल गहराई। और बाकी आपको प्लो दिखाता हूं मैं, मल्चरिंग हुआ पुराल पड़ा है, मल्चर से काट के। दोस्तों मेरे हिसाब से तो 1 फीट 1.25 फीट से भी ज़्यादा गहराई है,
क्योंकि काफ़ी लग रहा, देख लो आप खुद भी देख सकते हो, इतना तो वीडियो में दिखता है दोस्तों। ट्रैक्टर भी दोस्तों फुर फुर करके चल रहा है, कोई घसड़ पसड़ की आवाज इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैक्टर में वेट ब्लास्टिंग भी काफी अच्छी कर रखी है, पिछले टायरों में दो दो प्लेटें हैं 45-45 किलो की, यानी कि एक टायर पर 90 किलो वजन, और आगे मैंने बताया दिया था कि 3 क्विंटल 20 किलो वजन इसके अगले हिस्से पे है। और दोस्तों प्लो चलाने के लिए ट्रैक्टर की पुलिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए और लिफ्ट सेंसिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर दोनों चीज़ों में से एक चीज़ डगमगाई तो दोस्तों अच्छे तरीके से प्लो नहीं चल पाएगा, ये भी सच्चाई है। यहाँ देखो आगे पुराल है और पीछे सारा पुराल दब गया। लैम्किन के प्लो पे फाड़े में भी एडजस्टिंग है, इम्पोर्टेड क्वालिटी के इम्प्लीमेंट है लैम्किन के, है ही इम्पोर्टेड दोस्तों। और बाकी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों बिल्कुल ज़रूर बताया करो। जिसके पास 5405 ट्रैक्टर है या चूंटियों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखता है तो वो बता सकता है कि इस लोड पे ये कितना फ्यूल कंजप्शन होगा इसका एक घंटे में। B2 गियर में चल रहा है 1500 RPM पे। देखो जहाँ से अच्छी पुराली मल्चर से नहीं कटी हुई वहाँ से एकदम गुज्जा सा लग जाता है। पूरा पूरा रास्ते का फायदा लिया जा रहा। अगर छोटा ट्रैक्टर हो आगे से उठ जाएगा दोस्तों, इतना भारी इंप्लीमेंट है ये।